देवास शहर में हिंदू विश्व परिषद मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की बहनों ने हाथरस घटना के दोषियों को फांसी एवं लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। संगठन की सभी बहनें एमजी रोड स्थित श्री खेड़ापति हनुमान जी मंदिर पर एकत्रित हुई है। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची और ज्ञापन सौंपा गया है। दुर्गा वाहिनी जिला संयोजक संजना राजपूत ने ज्ञापन में लव जिहाद हिंदू संस्कृति के विरुद्ध नारी के मान सम्मान व अस्मत को तार तार कर लज्जित करने का घातक कृत्य किया है, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की बहनों ने हाथरस घटना के दोषियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर में पहुँच कर ज्ञापन सौंपा गया है। हाथरस की जो घटना है, मनीषा वाल्मीकि इसके साथ जो घटना हुई है उसके साथ जो बलात्कार हुआ है, उसके बाद उसकी जघन्य हत्या कर दी गई है, एक विषय तो वो था। दूसरा विषय है कि पूरे देश के अंदर जो लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं, जो षड्यंत्र पूर्वक हिंदू बालिकाओं और हिंदू नारी शक्ति को बरगला कर मुस्लिम समाज द्वारा जिस प्रकार उसका उपयोग किया जा रहा है और जिस प्रकार उसके साथ षड्यंत्र पूर्वक पूरे देश के अंदर लव जिहाद की घटनाएँ हो रही हैं, उसके विरोध में दुर्गा वाहिनी और विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित होकर जिलाधीश महोदय को उसके तारतम्य में आज हम विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी व बजरंग दल के भाई बहनों ने हाथरस में हुए मनीषा बहन के साथ जो घटना हुई है, लव जिहाद के दिन प्रतिदिन बढ़ रहे घटनाओं के संबंध में कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। क्या आश्वासन दिया अभी आपको? आश्वासन क्या दिया अभी जैसे ज्ञापन दिया आपने? हम उस बारे में वो जल्दी अच्छे कानून और कार्यवाही कठोर कार्यवाही। देवास से राजेश मोहन की रिपोर्ट।